मैं बहुत पसंद करता था उसे, शादी करना चाहता था उससे। वो धोखेबाज निकली है, किसी और को चाहती थी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ सिंसियर है, लेकिन वो सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो मैं अपनी अम्मी से मिलवाता हूं, तुम्हें शादी कर लेते। वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद कुछ पता नहीं चला उसका, और उसने तुम्हारे दफ्तर की खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो आई थी मेरे पास वापस, मुझसे कहने लगी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, तुम अपना लो। अरे मैं क्यों अपना लूं उसे? मैं आपके सामने किस मुंह से लेके आता? मैंने साफ इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों फिर उसने खुदकुशी कर ली। इन सारी बातों का मेरे पास कोई सबूत, कोई दलील नहीं है, लेकिन मैं आपका आलम, आप प्लीज मुझ पर भरोसा करें। मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, रखो अपनी बहन के सर पर हाथ और कसम खाओ उसकी। रखो उसके सर पर हाथ। डर क्यों रहे हो? तुम सच्चे हो ना? खाओ कसम अपनी बहन की। मेरी एक एक बात में सदाकत है। मैं अपनी बहन के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं। याद रखना जाने आलम, अगर तुमने झूठी कसम खाई तो उसका अजाब तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सिर्फ मेरी बहन नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। मेरी बेटियों की तरह है। क्या लगता है आपको मैं इसकी झूठी कसम खाऊंगा? अम्मी मैं आपका आलम हूं, आपकी गोदों में खेला हूं। ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिससे आपकी तरबियत में जरा भी आ जाए। आप प्लीज मुझ पर भरोसा करें। बस एक गलती हुई है मुझसे, मैं आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं आप दोनों का गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, ऐसा मत को गलती तुम्हारी नहीं, मेरी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, मैं कैसी बातें कर रही हैं? मैं मां होकर तुम्हारे दिल का हाल ना जान सकी, तुम्हारा दर्द ना पहचान सकी। बेटा, एक अनजान लड़की की बातों में आकर मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया। बेटा, तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया, तुम्हें हाथ उठाया। नहीं, आप माँ है मेरी, जन्नत है मेरी। आप सौ बार भी मुझ पर हाथ उठा सकती हैं।
बस अगली बार इस तरह की कोई आवारा लड़की अगर उस पर उंगली उठाए आप उसका साथ ना दीजिएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं, आप हमेशा मुझ पर भरोसा रखें। मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। सॉरी भाई, हमने आपको गलत समझा। अरे नहीं बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हालात ही ऐसे हो गए थे, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। नहीं भाई, अच्छा हुआ जो मेरी वहां शादी नहीं हुई। मैं ऐसे घर में कभी भी शादी करके नहीं जाऊंगी जहां मेरे भाई के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। सॉरी भाई। मलिक का कुछ पता चला? तुम लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हो? मुझे मलिक चाहिए किसी भी कीमत पर। उसे ढूंढो और से मेरी बात करवाओ। मलिक इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है। कहां गायब हो गया है? ना फोन लग रहा है, ना ही खुद से उसने मुझसे रابطہ करने की कोशिश की है। अगर मरियम को मिनिस्टर तक पहुंचाने में नाकाम हो गया था तो कम से कम मुझे इत्तला तो कर देता। कहीं मरियम और उसकी मां के यहां तक आने और मुझे जलील करने में मलिक का हाथ तो नहीं है? नहीं, मलिक मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरा बहुत पुराना आदमी है, मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करता। जरूर वो किसी परेशानी में मुब्तला है जिस वजह से वो मुझसे रابطہ नहीं कर पाया। पर ये दोनों यहां तक पहुंची कैसे? बस यार, मरियम ये दरवाजा बंद कर दे।